किन्नौर जिला के निगुलसरी में 7 सितंबर 2023 की रात को लगभग 400 मीटर तक बाधित हुए NH5 की बहाली का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया तथा आज सड़क बहाली का कार्य 380 मीटर तक पूर्ण कर लिया गया है तथा अब केवल 20 मीटर की सड़क बहाली का कार्य बचा है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि बार बार लैंडस्लाइड के कारण काम में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस दौरान स्वयं मौके पर उपस्थित रहे तथा उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बहाली में NHAI के कर्मचारी व अन्य ठेकेदारों के मजदूरों सहित भारतीय सेना व पटेल कंपनी द्वारा बहाली के कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। NH5 की बहाली के लिए 40 श्रमिकों की तैनाती की गई, जिस 35 निजी ठेकेदार के तथा 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा 1 कनिष्ठी अभियंता, 1 डोजर, 2 ROC मशीनें तथा 3 वायु संपीड़न मशीनों की तैनाती कर सड़क बहाली का कार्य किया गया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिला में सेब व मटर की फसल का सीजन चालू है तथा ऐसे में ये आवश्यक था कि शीघ्र ही जिला के किसानों व बागवानों की नकदी फसलों को मंडी तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि निगुलसरी में रज्जू मार्ग रोपवे का निर्माण किया गया तथा किसानों व बागवानों के सेब व मटर की फसलों को स्पेन के माध्यम से मंडियों तक पहुँचाया गया। अब तक बागवानों के सेब के 2,250 हाफ बक्से, 150 फूल तथा 800 करेटों को रज्जू मार्ग से मंडियों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा 1,800 बैग मटर की फसल को भी मंडी तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि पहाड़ के दरकने से लगभग 400 मीटर तक सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा चट्टान के कारण सड़क बहाली में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परंतु दृढ़ निश्चय व संकल्प से अब केवल 20 मीटर सड़क की बहाली का कार्य बचा है जिसे कल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।